और आपके आशीर्वाद से जब इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से जितने, चाहे कोरोना में ले लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, पानी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए। और हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार का जो कोरोना मैनेजमेंट था वो नंबर एक रहा, ये मैं नहीं कह रहा, जनता भी कह रही है और मोदी जी ने भी इस बात को सराहा है। जो विकास के काम बनाजी वापी छोड़ के चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। मैं समझता हूं जब से ये सरकार बनी है हमने हमेशा प्रयास किया है कि किसान के कर्जे हम लोग माफ करें, बेरोजगारों को नौकरियां हम लोग दें, सड़कें बनाएं, पानी की समस्या का समाधान करें, पेंशन दें, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 31,000 टीचर लेने की जो रीट की परीक्षा हुई है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उसको सराहा गया है कि शानदार तरीके से रीट की एग्जाम हुई, लोगों ने आगे बढ़कर के खाना खिलाया, सरकार ने फ्री में आने जाने का व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों के रोजगार देने से तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के वो कुछ लोग इस प्रकार के प्रोपोगंडा करने का काम कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा दोबारा करा दो, ये करा दो। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप प्रमाण दीजिए, हम एसओजी से जांच करवा रहे हैं, अगर एक भी दोषी व्यक्ति होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे 31,000 घरों में राजस्थान में हम रोशनी करेंगे, हम वो खुशियां लौटाएंगे जिनकी कई सालों से कोरोना के कारण से हम एग्जाम नहीं करवा सके। मैं समझता हूं अभी 29,000 की भर्ती और निकली, आप सबको पता है व्याख्याता की 6,000 के लगभग की भर्ती निकलने वाली है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकलने वाली है, सेकंड ग्रेड की 10,000 के लगभग भर्तियां अभी इसी महीने में निकलने वाली हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, उसको नौकरी मिलने चाहिए। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी ली गई, हाई कोर्ट से वापिस रिट ली गई और हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, 29,000 की भर्ती जल्दी निकलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्रालय का जिम्मेदारी मुझे अभी तक दे रखी है, इन्होंने कहा कि डोटासरा जी आप यहां के जो बच्चे हैं, हमारे उधर के बच्चे हैं, उनको थर्ड ग्रेड के टीचर्स को और जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात है उसका भी समाधान हमारी सरकार को करना है। जो यहां टीएसपी के बच्चे हैं वो नॉन टीएसपी में जाएं और टीएसपी में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कैसे निकले, हमारा टीएसपी का नौजवान कैसे नौकरी मिले, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी है। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी हमको करने हैं, नीतियां बन चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे यहां के नौजवान बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे दलित हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबकी समस्या का समाधान करने का बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने उठा रखा है।